नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया में कल बड़ा नया हादसा हुआ जिसमें कि अब तक की 9 लोगों की लाश बरामद हुई है, लेकिन अभी भी दर्जनों लापता हैं। आखिरकार घटना कैसे घटी, उन घटना पर हम आपको प्रकाश डाले। कल यानी मौसम भी खराब था। मानसी प्रखंड के 5 किलोमीटर से लेकर मुंगेर जिले में पड़ने वाले टीका रामपुर दियारा की तरफ नाव खुलती है और वह बीच मझधार में ही डूब जाती है। और आखिरकार इसमें इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी किनकी तय होनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कि नाव पर अधिक लोग सवार थे। अब तक यह भी पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार नाव पे कितने लोग सवार थे, लेकिन उस नाव से जान को जोखिम और तैर कर जब बाहर निकले, लोग का मानना है कि 25 से 30 कोई 40 भी लोग कहते हैं। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन अधिकार पार्टी के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोहर यादव जी हैं। मनोहर जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। किनको जिम्मेदार मानते हैं इतना बड़ा नौ हादसा को लेकर के आप? धन्यवाद आपको रविकांत जी। ये जो कल नाव डूबी है, नाव दुर्घटना घटी है, सबसे पहले तो जो लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए, मैं उनके प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और आहत हूँ मैं ऐसे घटना से। रविकांत जी, घटना के कारण जो भी रहा हो, लेकिन दोषी एक ही व्यक्ति है, खगड़िया के विधायक पूनम यादव और उनके पति रणवीर यादव। आप कैसे कह सकते हैं जी? हम आ रहे हैं मुद्दों पर। शहर से महज 5-7 किलोमीटर की दूरी पर दीरा क्षेत्र के दर्जनों गांव है जहां के लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए। सोनबरसा, टेकनिया, टीकारामपुर, मथार, इंग्लिश टोला है, ये जो डॉक्टर टोला के रहने वाले लोग सब है, और 20,000 की आबादी है उस दीरा क्षेत्र का। और पूरा दीरा क्षेत्र शहर से 7-8 किलोमीटर के दायरे में है। आज़ादी के 73 साल बाद और जो लोग लगातार 20 साल तक इस खगड़िया विधानसभा में बने रहे, वो लोग जिम्मेवार है इसके कि आप 7-8 किलोमीटर के दायरे में जब आप लोगों को सड़क से नहीं जोड़ सकते हैं, गांवों को सड़क से नहीं जोड़ सकते हैं, पुल पुलिया निर्माण नहीं करवा सकते, तो आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। रविकांत जी, इस तरह के घटना अगर सड़क बना होता तो आज इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। आज लोग को बेबस छोड़ दिया गया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विकास किए हैं, दिन दुना रात चौगुना विकास किए हैं, लेकिन आप देखिएगा खगड़िया में धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। दीरा में रोड नहीं पहुंच सका 7 किलोमीटर तक। फरकिया का कोई विकास नहीं हुआ। किसी गांव में कोई आधारभूत संरचना नहीं है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में बाहर है। इस बार चुनावी अभी कोरोना के जंग में हर लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। बिहार आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित है, चुनाव की तैयारी चल रही है। रविकांत जी, आप जानते हैं खगड़िया 7 नदियों से घिरा है। खगड़िया को जो है नदियों का नैहर भी कहा जाता है, और एक नदी बाढ़ के रूप में अभी श्राप है, तो दूसरे तरफ आप खगड़िया एशिया में सबसे बड़ा मक्का उत्पादन का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई मक्का आधारित उद्योग नहीं लग पाना। आपको नहीं लगता है कि व्यवसायी लोग किस तरह से जो है उद्योगपति यहाँ प्रताड़ित हुए और लोग यहाँ कोई तरह का जो है प्लांट नहीं लगाए, कोई उद्योग नहीं लगाए, कोई मजबूत व्यवसायी यहाँ रहने को तैयार नहीं हुआ, यहाँ इंजीनियर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप 3-3 बार दीरा क्षेत्र का जो है सड़क का टेंडर निकला है, लोग लिया भी, भाग गया ठेकेदार। पुल जो है मानसी घाट पर मुंह बाए खड़ा है, वहाँ के ठेकेदार भाग गए। क्यों भाग गए पता किए? मोटी कमीशन मांगी जाती है, धमकी दिया जाता है। ठेकेदार, आप बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे, सच्चाई है।
संवेदक ठेकेदार से जो है वो धमकी देकर कमीशन मांगा जाता है, इंजीनियर को धमकी देकर जो है कमीशन मांगा जाता है, इंजीनियर को जो है फंसा देने और बर्बाद कर देने की बात कही जाती है। कोई पदाधिकारी कोई काम नहीं करना चाहता है खगड़िया विधानसभा के अंदर। आज आज की बात मैं बताऊं मनोहर जी आपको, आज टीका रामपुर से और वहां के एरिया के बहुत सारे लोगों का आज हमें फोन आया कि हम लोग धरना देने आ रहे हैं, प्रशासन को घेरने आ रहे हैं कि आखिरकार हमें पुल क्यों नहीं है, सड़क क्यों नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को समझाया कि अभी लाश को बरामद कर ले दीजिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लाश का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार नौ पे कितने लोग थे। जागे, लेकिन जागे, धरना देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लोग को जगना चाहिए, तब तक इस तरह से जिल्लत की जिंदगी जिएंगे और अपने बच्चे को मारेंगे, अपनी पत्नी को जो है। आप लोगों ने भी तो धरना, आप लोगों ने भी तो कार्यक्रम किया था डीआरआर के विकास को लेकर के, उस कार्यक्रम का क्या हुआ? पूरा जो है पदयात्रा किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, उसका रिजल्ट है कि टेंडर हुआ, रोड का टेंडर हुआ, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है संवेदक। यहाँ जो है रंगदारी मांगी जाती है, कमीशन मांगा जाता है, और सत्ता में बैठे लोग जो है सत्ताधारी विधायक जो है जब इस तरह से करेगा तो कौन डर से काम करेगा? आप पता कर लीजिए, इंजीनियर काम नहीं करना चाहता है यहाँ पर। तो मूल कारण है खगड़िया को जो है ये लोग विनाश करके रख दिया है। खगड़िया में बहुत बड़ा बदलाव का जरूरत है और इस बार बदलाव होगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। लेकिन लाख वादे कर ले धरातल पर कुछ और ही दिखता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के जंग में हर लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं, बाढ़ से भी आप कह रहे हैं कि कोरोना के लेकर आप घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपके घर तक पानी घुस जा रहा है और अपनी जिंदगी आनी बचाना अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इनके पीछे आखिरकार किन के ऊपर गाज गिरेगी, किन के ऊपर कार्रवाई होगी, देखना लाजमी है। लेकिन अभी भी एसडीआरएफ की टीम जो है लाश को ढूंढने में जुटी हुई है। 9 लोगों की अब तक लाश मिली है और उन लोगों को जो है सरकारी अनुदान के तहत जो है मुआवजा राशि भी दिया जा रहा है, लेकिन उन राशि का क्या करना, नज़र के सामने चिराग बुझ गया हो, घर के परिवार के सदस्य चले गए हो, महज एक पुल नहीं है और एक सड़क नहीं है। भले ही अभी बाढ़ की तबाही है, लेकिन इस बाढ़ के बाद भी लोगों को इसी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल बोलता खगड़िया तो बोलेगा ही, अब तक के लिए इतना ही, फिर नए मामलों में हम और भी लोगों को जोड़ेंगे। धन्यवाद। हॉलमार्क 916 एवं 750 का सोना एवं चांदी की 100% गारंटी। फैंसी आभूषणों के लिए हमारे यहाँ पधारे। पता है नूतन ज्वेलर्स, मील रोड नियर रिलायंस टावर, आँख के डॉक्टर सतीश कुमार जी के बगल में, खगड़िया।